हेलो गाइस, मैं हूं सनी। तो दोस्तों, आज हमारे पास यहां पे नॉर्मली इरेजर यानी कि रबर है। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये चीज बनती किससे है? तो दोस्तों, बचपन में एक मिथ काफी ज्यादा फेमस था कि पेंसिल के कचरे को दूध को आपस में मिलाकर अगर हम 24 घंटे के लिए रख देते हैं तो दोस्तों अगले दिन उसका रबर बन जाता है यानी कि इरेजर बन जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी मिथ को ट्राई करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने भी ये मिथ सुना है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर से बताना। तो दोस्तों, हमने इसके लिए दूध ले लिया है और पेंसिल का कचरा ले लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पेंसिल का कचरा है उसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लेंगे। और दोस्तों, पीसने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो दूध है ना उसके अंदर हल्का सा दूध गर्म करके उसके अंदर पूरे कचरे को डाल देंगे। और दोस्तों, इंतजार करेंगे 24 घंटे का। तो दोस्तों, अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब टाइम है इंतजार करने का। 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और कंप्लीट होने के बाद, 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे एक मटेरियल बना हुआ मिलता है। तो दोस्तों, मैं इसको आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देखिए, जो चीज हमने सोची थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। रबर तो बनना दूर, यहाँ पे कुछ अलग सी काम हो गया। जो दूध है बिल्कुल फट चुका और ये रिएक्शन हो जाती है बिल्कुल बेकार। और जो मिथ है ना बिल्कुल बस्टर्ड है यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।